मधुबनी जिला में एक भी पैसा नहीं आया। सकल नहीं कभी रोड पर देख, कभी आज तक पानी नहीं पिया कोई। हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में हैं। इस वक्त मधुबनी की 20वीं विधानसभा में हैं। पिछले 10 वर्षों से आरजेडी के विधायक हैं। जनता से पूछते हैं उनका क्या रहा पिछले 10 वर्षों में काम। ये 10 वर्ष में विधायक की जी के द्वारा इस लोकेलिटी में कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है, और कभी मिले भी, कभी हम आज तक देखे भी नहीं हैं उनको। सकल नहीं पहचानते? पहचानते, फोटो से पहचान रहे हैं। हाँ। जो पेपर इस सब में आता है ना। हाँ। उससे पहचान रहे हैं उनका। हाँ। लेकिन उनका यहाँ इस क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है। ठीक, क्या नाम है विधायक का? विधायक का नाम है फैयाज अहमद। फैयाज अहमद जी, किसके किसके बीच टक्कर है सर? टक्कर तो बहुत का है सर। हाँ। इसमें तो हम नाम नहीं जानते हैं, ठीक है, मगर विधायक का है आ फरियाद का टक्कर है। हाँ। इस बार जो है महादेव का कृपा से विधायक का हमारे गांव का। हाँ। बचोल ठाकुर जो है, शशिभूषण ठाकुर। हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी, उनका इनकी भगवान से मनाते हैं कि ज्यादा कार्य करे। काहे फरियाद अमर 10 बरस से जो जीत कर गया है इधर, कुछ नहीं कहियो कोनो बार नहीं देखने आया। ये डूब गया अमरी, सारा गांव डूब गया हमको, मगर कभी नहीं आया कि जहां डूबा है कि नहीं डूबा है। चारों बगल बांध टूटने वाला था, मगर कहे आएगा देखने के लिए। वही ग्रामीण अपना घरारी कटवा के बांध को बनवा दिया अपने पैसे से, अपने पैसे से चाहे पार्टी के पैसे से, आपातकालीन में जहां माटी नहीं मिलता था अपने घरारी कटवा को बनवा के सुरक्षित किया, लेकिन घूम के आया नहीं। और फैयाज से बेटर स्थिति में उन्होंने रखा है कम से कम इस क्षेत्र को। विधायक भूल क्यों जाता है वोट लेने के बाद? अब वो तो विधायक न जाने जाए से कैसे भूल जाता है, यही न बात है। क्या बेवफा हो जाता है? एकदम बेवफा हो जाता है। यहाँ पर जो है आज तक हम लोग पहचाने भी नहीं जगह 10 साल में है, लेकिन आज तक हम लोग सकल भी नहीं देखे कैसे है। पहचानते भी नहीं के लिए तो पहचानते हैं, लेकिन फोटो से पहचानते हैं ना। सकल नहीं कभी रोड पर देखे। आपके गाँव में जब ढूंढने जाता है, नहीं कभी नहीं आया, ये नहीं है विधायक। हम लोग बरसात से गांव में पानी ठेल देता है, इधर पानी ठेल देता है, कभी नहीं आया। हम त्रिवेणी नेपाल में थे। नेपाल में? हाँ। तो आपने तो 50 साल से हमारा लोकतंत्र देखा है, अभी कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है जी, ठीक चल रहा है लोकतंत्र। हाँ। क्या पढ़ाते थे? इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे। तो आजकल देश की आर्थिकी बहुत खराब चल रही है, सब कुछ मंदी में चल रहा है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय है? हाँ। ये बिहार की, यूपी की, देश की समस्या नहीं? नहीं नहीं, बिहार अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। कोरोना है, ये है वो है। हाँ। उसमें स्लोन हो गया है। हाँ। हो जाएगा ठीक से धीरे। कोरोना से पहले ठीक था? कोरोना से पहले ठीक था। आपके गांव में ज्यादा रोजगार था जो अब कम हो गया है? रोजगार तो कम हुआ है हर जगह, हर जगह कम। पहले और कम? पहले से ही कम था, पहले से भी कम हो गया रोजगार। सरकारें काम क्यों नहीं करती? सरकार तो काम करिए रही है, कर रही है। समस्या यहाँ भी है, बाढ़ का समस्या है, हैं? सूखा का समस्या है। तो जब ये सारी समस्या है ही है, तो काम कौन है बात की करती सरकार? काम तो जहाँ तक संभव होता करती है। यहाँ तो अब बाढ़ की समस्या है, मान लीजिए कि सरकार वैसे कुछ काम गलत हो रहा है। जितना में आपको गेहूँ और ये देते हैं, उसमें मान लीजिए कि इरीगेशन का बढ़िया व्यवस्था हो तो उससे कम खर्च हो जाता है, है ना। तो इरीगेशन की व्यवस्था किसान तो नहीं कर पाएगा, सरकार ही करेगी। सरकार ही करेगी, लेकिन सरकार झांकती तो है नहीं। काम देखिए मॉनिटरिंग नहीं होता है। काम तो होता है, लेकिन मान लीजिए मॉनिटरिंग नहीं होता है, पैसा खा जाता है। चाचा किसान है, चाचा ये बताइए, हर साल बाढ़ का झेलना पड़ता है? हर साल बाढ़ का झेलना पड़ता है न, लेकिन एक बेर की नहीं, जो हम लोग का देखने नहीं कोई आता है, कोई नहीं, कोई नेता नहीं देखेगा। आपको का कोनो सकल देखनी है, मतलब काम नहीं करता? काम में खरीदते ही ना, यहाँ देखते ही नहीं, जहाँ कथी दहले नहीं दहले, एकरा की मजबूरी है। ये मजबूरी के तो देखा के चाहिए ना। वाला 6000 मिल गया? नहीं, मधुबनी जिला में एक भी पैसा नहीं आया। नल जल योजना जो है, सो 31 मार्च को उसको समापन करना था। अब आज अखबार में पढ़ रहे हैं जो 2 वर्षों के बाद होगा, और वो जो है सो 2 नल कहीं सक्सेस नहीं है हमारे गांव में, तो नहीं सक, कभी आज तक पानी नहीं पिया कोई, किसी को नल नहीं लगा। आज भी खुदाई हुआ है, लेकिन नल लगवो नहीं। देख लीजिए, ये जनता है और कह रही है कि हमको बाढ़ का पैसा नहीं मिला है।
अगर याद करें तो लगभग 3 महीने पहले अखबारों में छप गया कि जनता को 6,000 रुपया बाढ़ग्रस्त लोगों को दे रहे हैं। अब या फिर वह मीडिया, वह मंत्री, वह सेक्रेटरी झूठ बोलता है, नहीं तो ये जनता झूठ बोलती है। तो जनता कह रही है हम नहीं झूठ बोलते हैं, सेक्रेटरी कह रहा हमने जारी कर दिया, तो खेला क्या हुआ? आखिरकार इनके पेट तक नहीं आया, इनकी रक्षा नहीं हुई, 4 महीना बाढ़ में डूबे रहे, फिर चुनाव आ गया है, बटन दबा देंगे लेकिन किस्मत फिर 5 साल के लिए ताले में बंद हो जाएगी। पिछले 70 सालों से बंद हो रही है, फिर एक बार बंद हो जाएगी। इनका भाग्य जाने, इनका तरीका जाने, लेकिन मुश्किल ये है कि लोकतंत्र लगातार बेमानी होता जा रहा है। हर जगह लोग कह रहे हैं कि कोई लाभ नहीं, कहीं नल जल योजना, कहीं बाढ़ का पैसा, कहीं रोजगार का सवाल, सब जगह।